दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल एस के 11 फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पापुआ न्यू गिनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के जो थर्ड प्लेस ऑफ खेले जाएंगे उसी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब सभी निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, उसी लिंक पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि तमाम सारे अपडेट्स हैं फाइनल टीम आप कोई भी प्रोवाइड किए जाएंगे और दिए हुए लिंक काम न करें तो टेलीग्राम पर जाकर एस के 11 फैंटेसी कोई भी स्पेस ना देते हुए सर्च कर लीजिएगा, आपका हमारे चैनल मिल जाएंगे, आपको वहीं पर जाकर जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैच विनिंग प्रेडिक्शन की बात किया जाए ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों जिस टीम का पहले बॉलिंग आएंगे उसी टीम का जीतने का चांस होता थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। फिर भी दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स को ये मैच जीतना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मान के चलो दोस्तों यहाँ पर 50% to 50%, ठीक है, 50-50 दोस्तों, मतलब कोई भी इस मैच को जीत सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बार अगर आप मुझे पूछोगे दोस्तों कि आप बताइए कि कौन जीतेगा, तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के पास भी दोस्तों ऐसे कुछ खिलाड़ी है जो कि वो भी अपने दम पर मैच को जिता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस टीम का पहले बॉलिंग आएंगे उसी टीम को फेवरेट मान के टीम बनाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों चलिए, तो आपको पहले तो दोनों टीम का कुछ स्कोर कार्ड दिखवा देते, ठीक है। परफॉर्मेंस देखिए, सौरभ नटरोवाल यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहले बॉलिंग आए तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी जरूर बना के जाइएगा, ठीक है। ग्रैंड लीग में चारों ओवर एक विकेट चटकाए थे। फिर देखिए दोस्तों शिवा कुमार यहाँ पे दो ओवर में 11 रन, देखिए कोई विकेट नहीं। फिर देखिए रस्टी थेरन ये विकेट का बॉलर है, ठीक है, अभी ये चार ओवर में कोई विकेट नहीं चटका पाए थे। यहाँ पर निशरक बैटल दोस्तों चार ओवर में एक विकेट चटकाए थे। कैमरन स्टीवेंस दोस्तों चार ओवर में एक विकेट इन्होंने भी चटकाए थे। एरन जोन्स आपको यहाँ पे एक ही ओवर बॉलिंग किया था, लेकिन ये बंदा कभी भी आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करके दे सकते हैं, ठीक है। ताइए उनका बैटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, तो बैटिंग से दोस्तों स्टीवन टेलर अभी इस सीरीज में अच्छा खेले दोस्तों, आप इनको जरूर कैप्टन कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बॉलिंग ज्यादा अभी कर नहीं रहा। फिर देखिए मोनंग पटेल ये भी एक कमाल का बैट्समैन है दोस्तों, अभी विकेट कीपिंग साथ के साथ आप देखिए विकेट कीपिंग ये भी करेंगे तो आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि ये भी आपको 50 से 60 रन आराम से बना के दे सकते हैं। एरन जोन्स दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, अभी भी आपको 2 से 3 ओवर के बीच में बॉलिंग करेंगे और ऑन डाउन पर बैटिंग भी करने वाले। फिर देखिए गरिंदर सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, शिवा कुमार आप चाहते पिक कर सकते हैं, सीधा सीधा ड्रॉप कर सकते हो। मालोत्रा दोस्तों काफी नीचे आएंगे तो कोई खास ऑप्शन रहेंगे नहीं। फिर देखिए दोस्तों मार्टिकन ये ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग अभी कर नहीं रहा, तो फिर इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। निशरक पटेल दोस्तों मास्टर पिक रहेंगे, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग बैटिंग आपको दोनों से पॉइंट देंगे। स्टीवेंसन 0 पे आउट हुए थे। सौरभ नटरवाल ये 5 रन बना पाए थे, थियरन यहाँ पे दोस्तों 1 ही रन बना पाए थे। तो पापुआ न्यू गिनी के साथ जो जिम्बाब्वे के साथ मैच था दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिम्बाब्वे के साथ हार गए थे मैच, लेकिन दोस्तों पापुआ न्यू गिनी दोस्तों यहाँ पर यूएसए को काफ़ी मतलब हरवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या मतलब ये टीम भी काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन दोस्तों ये लोग क्या है ना कि मतलब कॉन्सिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों टॉनी हो रहा ये बंदा को पता नहीं, इनका पीएससी दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका जो बैटिंग ऑडिशन ना बैटिंग पोजिशन इनको बिल्कुल फिक्स नहीं होता, कभी 2 डाउन पे, कभी 1 डाउन पे, कभी 3 डाउन, कभी 4 डाउन, इसलिए दोस्तों इसको पिक करने में थोड़ा डर रहता है। लेकिन जिस दिन मैं इनको पिक नहीं करता हूँ दोस्तों ये बंदा परफॉर्मेंस कर ही देते हैं, ठीक है। तो इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा भी है दोस्तों, तो आप इनको जरूर पिक करके चलिएगा। तो बैटिंग से देखिए अभी एल सी का आपको बैटिंग ओपनिंग करते नजर आएंगे, अभी 0 पे आउट हुए थे। आसाद वाला बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। चार्ल्स आमिन दोस्तों मास्टर पिक रहेंगे, 3 से 4 ओवर की बॉलिंग और दोस्तों यहाँ पे ऑन डाउन पर बैटिंग, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हो। देखिए अभी बाहू दोस्तों यहाँ पर लास्ट मैच में 4 ओवर की फुल बॉलिंग किए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए उससे उस मैच से पहले आप अगर देखोगे ना तो 1 भी ओवर नहीं बॉलिंग किया था। तो दोस्तों ये लोग तो थोड़ा बहुत मत पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों, कभी भी किसी से बॉलिंग करवा लेते हैं, तो आप चाहते इनको भी पिक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच में 4 ओवर फुल बॉलिंग करके आ रहे। तो आप इस मैच में भी अगर 2 ओवर बॉलिंग कर जाए और 1 विकेट इनको मिल गए दोस्तों, तो आपकी टीम में फिर आपका टीम दोस्तों खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको चाहो तो पिक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों टॉनी वोरा बैटिंग से हर मैच में दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोस्तों, और ये ताबड़तोड़ पारी के लिए जाने जाते हैं। फिर देखिए अभी रिली हैकुरे दोस्तों बैटिंग के साथ साथ दोस्तों आपको 4 ओवर की फुल बॉलिंग देंगे, तो आपकी टीम में ये बंदा भी होना चाहिए। नोमन भानुआ दोस्तों यहाँ पर इस मैच में इस सीरीज में दोस्तों बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये बंदा काफ़ी और बेहतरीन ऑलराउंडर है दोस्तों, आप इनको भी चाहो तो पिक कर सकते हो। फिर देखिए हीरा भैर बिल्कुल इनको आँख बंद कर ड्रॉप करो दोस्तों, कोई खास करने कोई काम का नहीं है। फिर देखिए अभी दोस्तों कबुआ मोड़े और दोस्तों यहाँ पे आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। और दोस्तों सीमोन है एक कोई कुछ भी ये भी खास का कोई काम का भी नहीं है, ठीक है। आई बॉलिंग परफॉर्मेंस देखते तो बॉलिंग से यहाँ पर देखिए सीमो कम ही यहाँ पे 2 ओवर इन बॉलिंग किया, पिटाई हुआ था इनको बॉलिंग नहीं मिला था। फिर देखिए सी बाहू देखिए मैं 4 ओवर में 1 मिडन और 2 विकेट चटका के गए थे। सीमो ना था ये भी 1 ओवर बॉलिंग किया था दोस्तों, कोई विकेट नहीं चटका पाई। फिर नॉमन भानुआ देखिए 2 ओवर बॉलिंग किया, इनका पिटाई हुआ था, इनको और बॉलिंग नहीं मिला। आसाद वाला दोस्तों यहाँ पर 3 ओवर की बॉलिंग किए थे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैच में बॉलिंग नहीं कर रहे थे। रिल हैकुरे दोस्तों 2 ओवर बॉलिंग किए थे और दोस्तों कैबिया मोरी यहाँ पे देखिए 3 ओवर बॉलिंग किए थे। चार्ल्स शामिल दोस्तों 3 ओवर बॉलिंग किया, तो पास देख सकते हैं कितने बॉलर्स को दोस्तों बॉलिंग बॉलर यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों रिस्की तो रहेंगे, ठीक है, कि कोई भी बंदा अगर 2 से 3 ओवर एक्स्ट्रा बॉलिंग कर जाए तो ये देखिए मेन बॉलर का बॉलर बॉलिंग तो कट जाएगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इस मैच में थोड़ा रुक के खेलिएगा दोस्तों, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल रखिएगा इन्वेस्टमेंट इस मैच में।
तो गाइस विकेट की सेक्शन में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, पर देखिए मैं ज्यादा बातें बोलूंगा नहीं, यहाँ पर आपके लिए मोनंग बैटर मास्टर पिक है, आप उन्हीं को पिक कीजिए और मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। फिर देखिए बैटिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे एज जोन्स को मैं जरूर पिक करूंगा, टॉनी उरा के दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म काफी बेहतरीन है तो मैं उनको पिक करूंगा। देखिए यहाँ पे सी बाव दोस्तों आपको टू डाउन में बैटिंग प्लस दोस्तों चार ओवर के लास्ट में फुल बॉलिंग दिए थे तो मैं इसीलिए इनको पिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। आसाद भाला दोस्तों काफी देखिए इन बैटिंग सेक्शन में दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये बंदा सबसे दोस्तों टैलेंटेड प्लेयर है दोस्तों, और ये काफी कमाल का ऑलराउंडर हुआ करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम में ना तो बैटिंग से परफॉर्मेंस दे पा रहे और ना तो दोस्तों ज्यादा बॉलिंग कर रहे, इसलिए मैं उनको इस मैच में दोस्तों ड्रॉप करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों कोई खास ऑप्शन नहीं है ऑलराउंडर सेक्शन, तो स्टीफन टेलर मास्टर पिक रहेंगे, फिर देखिए चार्ल्स सामिनी मास्टर पिक रहेंगे, और दोस्तों यहाँ पर मैं एन पैटर के साथ जाऊंगा और दोस्तों एन भानुआ के साथ भी मैं जा सकता हूँ अगर कोई क्रेडिट का प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने उनको पिक किया हूँ। फिर देखिए बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर मैंने सौरभ नटवाल को पिक करूंगा, आर हेकुरे को पिक करूंगा, और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही इनको पिक किया तो यहाँ पर क्रेडिट प्रॉब्लम तो आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए सी स्टेवन को मैं पिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको ज़्यादा पिक करने का मन नहीं है। यहाँ पर देखिए आर थेरोन ए बंदा विकेट टेकर है दोस्तों, इनको भी आप पिक कर सकते हो, इनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप इनको पिक करके दोस्तों डिफेंसर पिक मतलब ये ट्राम कार्ड पिक बनेंगे इस मैच में दोस्तों, ठीक है। जस्ट ये पे देखिए रस्टिन थ्रेन आप इनको जरूर पिक कीजिएगा, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक बनेंगे इस मैच में। अभी के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पे सी स्टेवेंसन को मैंने पिक किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आप कैप्टन यहाँ पर चार्ल्स सामिनी को बना सकते हो, क्योंकि आपको बैटिंग से दोस्तों यहाँ वन डाउन के प्लस और दोस्तों यहाँ पर तीन से चार बार बॉलिंग देंगे, लेकिन यहाँ पर स्टीफन टेलर को लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों, क्योंकि आपको बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अभी के लिए मैंने उनको कैप्टन नहीं दिया हूँ दोस्तों, कैप्टन मैंने चार्ल्स सामिनी को बनाया हूँ, और दोस्तों वी सी यहाँ पर दोस्तों मैंने सौरभ नटवाल को बना सकता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मोनंग पटेल को भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मोनंग पटेल को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए विकेट की सेक्शन एम पैटल को पिक किया हूँ और उन्हीं को साथ वी सी बना के जा गया हूँ दोस्तों। फिर देखिए ए सी बाव को पिक किया हूँ और दोस्तों यहाँ पर टॉनी उरा को पिक किया हूँ और यहाँ पर दोस्तों एरन जोन्स को पिक किया हूँ। निश्रक पैटल दोस्तों ए स्टीवन टेलर जी चार्ल्स सामिनी और एन भानुआ को मैंने पिक किया हूँ, आर हैकुरे और सी स्टीवनसन और दोस्तों यहाँ पर सौरभ नटवाल को मैंने पिक किया हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए अगर ग्रैंड लीग की बात की जाए तो ग्रैंड लीग में आप दोस्तों यहाँ पर 50-50% मतलब 50 मान के टीम बनाइएगा, यहाँ पर दोस्तों 6-5 की यहाँ पर दोस्तों 5-6 की टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा, और दोनों टीम में दोस्तों मतलब 10 टीम बनाइएगा दोस्तों, यहाँ पर यूएसए को फेवरेट मान के और दोस्तों 10 टीम बनाइएगा यहाँ पर दोस्तों पप्पू न्यू गिनिया को फेवरेट मान के, ठीक है। क्योंकि इस मैच में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रिस्की लग रहा है, कोई भी टीम मतलब देखिए यहाँ पर किसी को भी बॉलिंग मिल सकती है इस मैच में और कोई भी बॉलर्स आके 2 से 3 विकेट लेके जा सकते हैं और मेन बॉलर्स को दोस्तों ओवर कट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिंग में थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों नॉर्मली रखना, ठीक है। तो गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको यहीं पे आकर जुड़ना है, अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा तो बिल्कुल आकर जुड़ जाइए, और दोस्तों आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते, तब तक बाय।